हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट आ जाते हैं, उसमें थोड़ा सोर्स ऑफ लाइट में ये है, एक तो नेचुरल है, सूरज की लाइट है, ये भी आ जाता है, ये इनकैंडिसेंट के उसमें आ जाता है कि वो लाइट जो डायरेक्ट आपको लाइट देती है, जैसे स्टार हो गया, सूरज हो गया, इनको इनकैंडिसेंट लाइट कह देते हैं। फिर फ्लोरोसेंट लाइट है, वो ट्यूब का सिस्टम है, उसमें गैस होती है, जब आप इलेक्ट्रिकल स्पार्क देते हैं तो आयनाइजेशन के अमल में वो ग्लो करती है, वो फ्लोरोसेंट लाइट, वो डायरेक्ट उसमें नहीं आता। डायरेक्ट लाइट में सूरज आ जाएगा, ये हमारी लाइट आ गई, बल्ब हो गया, टंगस्टन उसी का वो थोड़ा सा है, एलिमेंट से मतलब जो लाइट दे वो टंगस्टन हो जाता है, जो गैस से स्पार्किंग से वो फ्लोरोसेंट, वो आगे उसकी किस्म है, सोर्स है। अच्छा, हम कलर टेम्परेचर का कह रहे थे, समझ आ गई कि कलर टेम्परेचर इज अ सिस्टम इन विच कलर ऑफ एग्जिस्टिंग लाइट, के मौजूद जो भी लाइट है उस वक्त उसकी लाइट का कलर कौन सा और किस टेम्परेचर पे है। अब इंडोर का मैंने बता दिया 3200 तकरीबन है, ये जो हमारे लाइट इसका कलर टेम्परेचर 3200 है, जब आउटडोर में जाते हैं तो ये 5600 लेके वेरी करता है, जैसे 56। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं कि फोटोग्राफी में हमको क्या जरूरत लाइट की, तो फिर आ जाते हैं चीज एक्सपोजर, आपके स्टिल में एक्सपोजर एग्जैक्ट कितना रख गए कि आपकी बेहतरीन तस्वीर आए। जो हमारे पास वीडियो है ये सारी स्टिल से आई हुई है, उसी को उन्होंने इस्तेमाल किया। सबसे पहले एक्सपोजर में हमारे पास आ जाता है E = IT, क्या आपने लाइट की इंटेंसिटी कितनी चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए। आप कभी स्टिल यूज किया, उसमें अपर्चर होते हैं, आपने एडजस्ट करना, और शटर स्पीड होती है, ये दो चीज़ों से एक्सपोजर। इसी तरह इसमें आप मूविंग में आते हैं, इसमें भी आपको अपर्चर एडजस्ट करना पड़ेगा और शटर स्पीड करनी पड़ेगी, तब आपकी अच्छी तस्वीर आएगी। अगर आपकी कमांड इस पर नहीं है तो आप अच्छी तस्वीर, आप अच्छी मूवी नहीं बना सकते। सबसे पहले आपको अपर्चर देखना पड़ेगा। अपर्चर का काम क्या है, ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है कि कितनी लाइट चाहिए कि तस्वीर अच्छी हो, और दूसरा है शटर स्पीड, शटर कि वो शटर जब आपने कभी देखा हो अगर स्टिल कैमरे का देखा हो और आपने क्लिक किया हो तो उसका शटर एक खुलता है और फौरन बंद हो जाता है, उसको एक स्पीड दी होती है उन्होंने कि लाइट जो जा रही है वो कितनी देर के लिए उस पर फिल्म प्लेट पे जाए ताकि उसमें जाके तस्वीर बने, उसको कंट्रोल किया जाता है। दो चीज़ों से एक्सपोजर कम करते हैं, एक लाइट कितनी जाए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दूसरा टाइम के साथ, ठीक हो गया। ये जो है हमारे पास लाइट कैसे कंट्रोल करते हैं, इसको अपर्चर से कंट्रोल करते हैं। अपर्चर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, अपर्चर क्या करते हैं, अपर्चर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट आप रखते हैं ना अपर्चर के लिए। अपर्चर के लिए हमारे पास एफ स्टॉप आता है, वो आप शुरू में 1 रखते हैं, 2 है, 2/8, 4/8, 11 ऐसे चलता है, इसमें लिखा हुआ था डिटेल ये आपके अपर्चर के साइज क्या है जो आप रखते हैं, मूवी में भी है ना, आप अपर्चर एडजस्ट करते हैं, वो यही है कि आपने कौन सा नाइट के लिए अपर्चर ज़्यादा आपको ऊपर रखना पड़ेगा। आउटडोर के लिए क्लोज करते हैं वो 11/18 उस पर चला जाता है कि लाइट कम जाए ताकि तस्वीर अच्छी हो, और जो आप शटर स्पीड देते हैं तो शटर स्पीड में भी हमारे पास आ जाता है 1 सेकंड, फिर 1/2 लगा लो या 4 लगा लो, ऐसे करके 1/20 यानी सेकंड का 25वां हिस्से तक खुले, इसे करके पूरे सेकंड के लिए ना पर्चे खुले, शटर लगा होता है वो कंट्रोल करता है। तो ऐसे 160, ये सारा नोट्सों में है, 160 के बाद 100 आ जाएगा, 125,